केंद्र अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष हिमांगी सखी ने श्री कृष्ण मंदिर व मस्जिद पर चल रहे सभी पर लगाई गई इस्ते से नाराज प्रशासन पर हमला बोला। वो जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंची तो प्रशासन ने उन्हें नजर बंद कर दिया। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में विवादित जगह के कोर्ट सवे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिए गए स्टे के बाद किन्न अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मथुरा पहुंची। यहां वो शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के एक आश्रम में नजरबंद कर दिया। किन्न अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी शनिवार को मुंबई से वृंदावन पहुंची। यहाँ वो परिक्रमा मार्ग स्थित चामुंडा देवी मंदिर के पास एक आश्रम में रुकी। यहाँ से वह शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना और श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करना चाहती थी। किन्न अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के शाही ईदगाह जाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वृंदावन थाना प्रभारी आनंद शाही पुलिस बल के साथ आश्रम पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने हिमांगी सखी को नजरबंद करते हुए पुलिस का पहरा बैठा दिया। इनका मथुरा में जाने का ऐलान किया था। हाँ। क्या था ऐलान और आज ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया, और मैं कहती हूँ मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, या उस बात का डर है? तो मैं कहती हूँ मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है? अवशेष हो एएसआई सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है, और अवशेष निकल रहे हैं या निकलेंगे, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ फिर जन्मभूमि ही बनेगा। जिस तरह से ज्ञान बापी की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें वहाँ पे मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, शिव मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, क्या कहेंगे? मैं उस पर यही कहूँगी, इससे पहले भी जब हमने वहाँ पे गए थे जलाभिषेक की घोषणा की थी और उस हमें प्रशासन ने रोक दिया था जलाभिषेक के लिए, और पुनः दूसरी बार हम गए थे जलाभिषेक के लिए, पुनः हमें जब रोका गया तो हम प्रशासन के बीच में हमने हमारा जलाभिषेक कर लिया, क्योंकि जब हमें मूल काशी विश्वेश्वर महादेव पे जलाभिषेक नहीं करने देंगे तो हम क्यों जाए फिर जलाभिषेक करने। हमने ज्ञान व्यापी मंदिर के बाहर ही अपना जलाभिषेक कर लिया और यही संदेश समाज को दे दिया कि भाई हमें रोका गया और हमने हमारा जलाभिषेक करके हम निकल गए वहां से। तो अब यहाँ जब मथुरा की बात आती है, ईदगाह की बात आती है, तो मैं यही कहूंगी मेरे मुसलमान भाइयों को, सर्वे होने दीजिए। किस बात का डर है आपको? क्यों बारंबार सर्वे को रोक लगाया जा रहा है? क्यों आप कोर्ट से एप्लीकेशन डाल रहे सर्वे रोकने का? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि उसके अंदर मंदिर के अवशेष छुपाए गए हैं, इसीलिए आपको डर होना नहीं चाहिए। अगर वो मस्जिद है तो मैं कहती हूँ आपको डर होना ही नहीं चाहिए था, है ना? करने देते, एएसआई सर्वे की जांच को रोकना नहीं चाहिए था। आपने रोका है इसका मतलब आपको डर है कि कहीं ये मंदिर ना बन जाए वापस से, अवशेष उसके अंदर है और वो जानते हैं, और इसके लिए हम संतों का मौलिक अधिकार है कि इसके ऊपर हम बात करें, समाज के सामने रखे, कोर्ट को भी अवगत कराए कि ये एएसआई सर्वे रोकने का मतलब है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है उनको डर है। आज जिस तरह से आपने ऐलान किया था, आज आपको प्रशासन ने यही रोक दिया है, मैं यही कहूंगी। मैं तो पहले ही ऐलान कर चुकी थी शांति पूर्वक करने की, मुझे तो कुछ ऐसा करना नहीं था, मगर प्रशासन को मैं क्या कह सकती हूँ, है ना? प्रशासन के सामने तो हम सब नतमस्तक है, क्या करेंगे, मजबूर है हम। तो अब अगर उन्होंने रोका है तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो यही बैठना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब आगे का रणनीति देखेंगे कैसे क्या होता है, मगर अगर एएसआई सर्वे की जांच नहीं हुई तो मैं महातांडव करूंगी त्रिशूल लेके पुनः, और हाई कोर्ट तक जाऊंगी मैं। जब जब तारीख होगी ईदगाह को लेकर तो मैं कोर्ट में भी जाके खड़ी रहकर महातांडव करूंगी।